जनता पार्टी की ताकत बन करके यहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपकी आवाज बने हैं। भाइयों बहनों, इस हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके तेलंगाना की भाग्य लक्ष्मी का केंद्र बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी समर में आपके बीच में उतरी है। हम सब जानते हैं कि जिन उद्देश्यों के लिए तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, बीआरएस की केसीआर की सरकार ने उन सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया है। भाइयों बहनों, तेलंगाना में प्रकृति और परमात्मा के सीम कृपा है। यहां के अन्नदाता मेहनती किसान, यहां का ऊर्जावान नौजवान, ये सब कुछ होने के बावजूद आज हताश है, निराश है, क्योंकि शासन की योजना का लाभ यहां के नौजवानों को, यहां के अन्नदाता किसानों को नहीं मिल पा रहा है। भाइयों बहनों, जो तेलंगाना राज्य कभी रेवेन्यू सरप्लस राज्य हुआ करता था, आज वह राज्य नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए उनके पेपर लीक करने का राज्य हो गया है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। भाइयों बहनों, एक ओर शासन की योजनाओं का बंदरबांट, डेवलपमेंट की योजनाओं का ठप होना, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अराजकता की पराकाष्ठा को छूता हुआ तेलंगाना अराजकता की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर यहां की सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालते हुए मुस्लिम आरक्षण का घोषित करना, यह यहां के हकों पे डकैती डालने जैसा है। भाइयों बहनों, मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। और ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं, आज 26 नवंबर है, आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान निर्माण करके तैयार किया था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज की तिथि को भारत के संविधान की तिथि घोषित की है, लेकिन बीआरएस और कांग्रेस मिलकर के यहां की जनभावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने पहले शोषण किया और कांग्रेस के बाद जब तेलंगाना राज्य बना तो बीआरएस ने यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके तेलंगाना के लोगों को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया है। हम सब जानते हैं, एक ओर जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ रहा है, आज आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में जहां कहीं जाते हैं दुनिया पलक पावड़े बिछा कर उनका स्वागत करती है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। याद करिए, आज ही के दिन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार जब दिल्ली में थी तब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। मैं देख रहा था यहां पर अभी कि सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ है। भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके राष्ट्रनायक हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू प्रतापशाही की स्थापना जिस कालखंड में की थी उस समय
निजाम की सत्ता को भी उन्होंने चुनौती दे करके उसको भी कहा था कि हिंदू पादशाही के मार्ग में अगर रोड़ा बनोगे तो फिर तुम्हें इसका भुक्तभोगी होना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय में आतंकी घुसपैठ होती थी, आतंकी वारदात होती थी, लेकिन आज ये नया भारत है। नया भारत में आतंकी घुसपैठ नहीं हो सकती, आतंकी वारदात नहीं हो सकती, क्योंकि आतंकवादियों को और उनकी आंखों को मालूम है कि नए भारत में अगर उन्होंने कुछ किया तो नया भारत बोलता नहीं है, नया भारत छेड़ता भी नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और अपने नागरिकों को बेहतर सुरक्षा देना भी जानता है। भाइयों बहनों, एक तरफ दुनिया में बढ़ता हुआ सम्मान, दूसरी तरफ सुरक्षित हुई सीमाएं, आतंकवाद का समाधान, नक्सलवाद की समस्या का समाधान, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाईवे, रेलवे